नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जो है पता नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग जो है कैसे यूज करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, उसके यूज करने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊँगा कि एल्गो ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 पॉइंट लेके आया हूँ। इस 5 पॉइंट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। मैं इस एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है। तीसरा है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है एल्गो ट्रेडिंग करने से हाँ महीने का कितना खर्चा हो सकता है। पाँचवा है एल्गो ट्रेडिंग यूज करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, ये मेरे 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट में मुझे लगता है कि आपके जितने भी एल्गो के रिलेटेड जो भ्रम है या फिर जो कन्फ्यूजन है, ये दूर हो जाएगा दोस्तों। तो पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग जो है एक तरह से एक रोबोटिक ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम नहीं मशीन जो है मतलब रोबोट जो है ट्रेडिंग करता है। इस रोबोट को बनाने के लिए हमको जो है जो बाई और शॉर्ट का जो है एक कंडीशन रखना पड़ता है, मतलब प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक खुद डेवलपर हूँ, मैं आप लोगों को अपना एक तरह से कोड दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी के कुछ बाई सेल के जो कंडीशन है, अभी ये कंडीशन अगर हम मैनुअली भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी न किसी कंडीशन के ऊपर ही, यानी कि अपनी एक स्ट्रेटजी बना के जो है बाई या सेल करते हैं, ठीक है। वही चीज़ को हमको रोबोट के थ्रू कराना है, तो इसके लिए हमको रोबोट के लिए कोडिंग करना पड़ेगा। तो ये कोडिंग क्या है, मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए लगभग मैंने जो है आप देख सकते हैं लगभग 1000 लाइन का जो है भारी भरकम मैंने कोडिंग किया है, तब जाके जो है मेरी ये स्ट्रेटजी बन के तैयार हुई है दोस्तों। एक रोबोटिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए यानी कि प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारा समय लगता है और मेहनत लगता है दोस्तों, तब जाके जो है एक अच्छा स्ट्रेटजी बन के तैयार होता है। और इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम बैक टेस्ट करके जो है एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हम मार्केट में किस टाइप का स्ट्रेटजी को जो है पैरामीटर सेट करके स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा था कि मैंने बताया कि आपको एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। एल्गो ट्रेडिंग सिंपल भाषा में समझे कि एक रोबोटिक होता है, जो रोबोटिक जो है अपने हिसाब से जो हम कंडीशन डाले हुए रहते हैं बाई सेल का, उस कंडीशन पे जो है बाई या शॉर्ट करता है। दूसरा पॉइंट है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए बस कोडिंग करने से ही काम नहीं चल जाएगा, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग लिखने के लिए चार पांच तरह के जो है प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ता है। जैसे एडवाइजर कॉल हो गया, एलर्ट फॉर्म, ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर या MT4 या 5 निंजा ट्रेडर या सी शार्प, पाइथन, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग में आपको आना चाहिए। जो मैंने कोडिंग किया हूँ ये एमी ब्रोकर में कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो एमी ब्रोकर का ये FL कोड है जो एमी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में ही चलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एमी ब्रोकर है। एमी ब्रोकर को हमको एक AFL जो हम कोडिंग करते हैं उस कोडिंग पेज को हम AFL बोलते हैं, और ये पेज कोडिंग जो है हम एमी ब्रोकर में डाल के हम चलाते हैं। हम चाहे तो एक साथ कई सारे स्ट्रेटजी एक साथ चला सकते हैं, क्योंकि इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है। आप नए नए टैब में जो है स्ट्रेटजी चला सकते हैं, ठीक है। ये हमारे चार तरह के प्लेटफॉर्म में हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। ये कोडिंग हो गया अपना AFL, जैसे हमारा अभी एमी ब्रोकर में है, ठीक है। हमारा यहाँ से तो स्ट्रेटजी बना के तैयार हुआ, यहाँ से हमारा ऑर्डर प्लेस होता है। ये ऑर्डर पहले हमारा एक API ब्रिज में जाएगा, ठीक है। ये API ब्रिज हमारा कौन सा है, मैं जो यूज करता हूँ ये जो है
एल्गो लाइव का एक वेबसाइट है जो मैं ये एपीआई ब्रिज यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम अपने जो एलाइज ब्लू मेरा अकाउंट है, इस एलाइज ब्लू को यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। और मेरा पहले तो एमी ब्रोकर से, ठीक है, एमी ब्रोकर से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंट्री आई, तो यहाँ से ऑर्डर सीधे हमारे एपीआई ब्रिज में जाएगा, और भी इस एपीआई ब्रिज से हमारे एलाइस ब्लू में जो है इंट्री आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा जो है ये मेरा फ्राइडे का जो है प्रॉफिट हुआ है। आज तो 10 तारीख है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का जो है प्रॉफिट किया है उसी तरह छूटा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि एमी ब्रोकर से एपीआई ब्रिज में सिग्नल आता है। अब जो है एपीआई ब्रिज जो है हमारे टर्मिनल में जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट कराता है, यानी कि एलआईसी ब्लू में यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कराता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है दोस्तों, इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे यूज करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक ट्रिकी पॉइंट है कि एल्गो ट्रेडिंग हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग यूज करने के लिए हमको चार चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। पहले तो आपको एक एमी ब्रोकर आपके पीसी में इंस्टॉल हुआ रहना चाहिए, और उसके साथ एक एफएल होना चाहिए जिसका आपका स्ट्रेटजी का प्रोग्रामिंग हुआ रहेगा। ठीक है, एमी ब्रोकर में डेटा फिट करने के लिए एक एमी फिट करके आता है, जो एमी ब्रोकर को डेटा प्रोवाइड करता है जिससे आप चार्ट और डिस्प्ले जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डेटा एमी फिट एमी ब्रोकर को डेटा नहीं प्रोवाइड करेगा, तो जब एम डेटा ही नहीं आएगा तो जो है यहाँ पे जो है चार्ट ही प्लॉट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं है। तो एमी डेटा जो है डेटा प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर, इंडेक्स, ऑप्शन, यहाँ से सब तरह का डेटा जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, ये डेटा जो है एमी ब्रोकर में फीड हो जाता है। अब एमी ब्रोकर में जो है कोडिंग के थ्रू स्टडी चलती है। अब यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, ये सिग्नल अपने एल्गो लाइव में आएगा। अब एल्गो लाइव जो है आपके एलाइस ब्लू में जो है सिग्नल पंच करेगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। एक एमी ब्रोकर, ठीक है, दूसरा जो है एमी फीड, ठीक है, तीसरा आपको एल्गो एल्गो लाइव का एपीआई ब्रिज जरूरत पड़ेगा, चौथा जो है आपको एलाइस ब्लू का एक टर्मिनल जरूरत पड़ेगा। इन चार चीज़ों से आपका जो है फुल्ली आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और इस ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए आपको जो है हर दिन आपको एपीआई ब्रिज जो है लॉगिन करना पड़ेगा, और अपने एलाइस ब्लू का जो टर्मिनल है उसको भी लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप ये लॉगिन कर देते हैं और यहाँ से आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो जैसे ही 9:15 से मार्केट स्टार्ट होगा दोस्तों, आपके टर्मिनल में अगर से यहाँ से एंट्री आएगी तो आपके टर्मिनल में एंट्री आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि हम एल्गो ट्रेडिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि एल्गो ट्रेडिंग करने से महीने का कितना खर्चा हो सकता है। दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग करने से जो है हमारे कुछ खर्चे होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो आउटसोर्स हैं, तो आउटसोर्स का तो जो है कुछ ना कुछ तो खर्चा रहेगा। जैसे कि मैं ये एक डेस्कटॉप ऑनलाइन डेस्कटॉप यूज करता हूँ, जो है ऑनलाइन पीसी यूज करता हूँ,
तो इसका जो है कुछ महीने का 1200 रुपये लगभग खर्चा होता है। आप इस खर्च को बचा भी सकते हैं। आपके पास अगर आप अपने घर के भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो है चालू कर सकते हैं। और मैं जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए जो है मैं ऑनलाइन पीसी यूज करता हूँ। मैं घर के पीसी के लिए जो है कुछ दूसरा चीज़ यूज करता हूँ, कुछ दूसरे काम के लिए मैं घर का पीसी यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पीसी में मेरा ओमी ब्रोकर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। डेटा पाने के लिए हमको जो है एमी फीड इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसका जो है महीने का 450 रुपये को चार्ज होता है, ठीक है। डेटा आपको ऑर्डर पंच करने के लिए हमको एपीआई ब्रिज की ज़रूरत पड़ता है, जिसका इसका 1000 रुपये के लगभग कुछ कुल खर्चा है। तो अगर आप जो है अगर ऑनलाइन पीसी नहीं लेते हैं तो एपीआई ब्रिज और एमी फीड डेटा लगभग आपका 1500 में आपका जो है ट्रेडिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है बन सकता है। आप 1500 में फुल्ली आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है यूज कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि एल्गो ट्रेडिंग यूज करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ये चीज़ मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोगों के अंदर ये भ्रम फैला हुआ है कि एल्गो ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता है। भाई एल्गो ट्रेडिंग से भी पैसा बन सकता है, लेकिन आप इसको सही से यूज करेंगे। कोई भी चीज़ है रहे इस दुनिया में, आप उसको सही तरीके से सही चीज़ को यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप मैनुअली भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उसमें मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो करेंगे, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। आपको उसमें भी बताया जाता है कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जब डिसिप्लिन ट्रेडर बन के हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो एल्गो भी तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही है ना। जब जब उसके प्राइस पे एंट्री आएगा तभी वो बाई करेगा, जब स्टॉप लॉस हिट होना रहेगा तभी वो स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब प्राइस गया नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि प्राइस उसके यहाँ नहीं आया तभी वो स्टॉप लॉस हिट करेगा। जब स्टॉप लॉस के यहाँ प्राइस जाएगा वो एग्जिट करेगा, टारगेट के यहाँ जाएगा तो टारगेट एग्जिट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत सारे इमोशन आ जाते हैं, जिसके वजह से हम अपने प्लान को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारा टाइम और ओवर ट्रेडिंग का पैसा दोनों, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो इसको सही तरीका क्या है यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको एल्गो ट्रेडिंग के तो मैं ऊपर ही बता दिया हूँ कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमको एपीआई ब्रिज जो है लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। एपीआई ब्रिज को लॉगिन करेंगे ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए हमको तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहला जो है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, दूसरा जो है रिस्क रिवार्ड, तीसरा होता है अपना सेटअप, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और सेटअप, ये तीन चीज़ें जो है एल्गो बहुत अच्छे से संभाल लेता है, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हर स्ट्रेटजी जो है हर समय काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ वीक वीक पॉइंट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो जिस स्ट्रेटजी का जो वीक पॉइंट होता है, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे कि मैं इस स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी रिवर्सल स्ट्रेटजी रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर मार्केट जो है ट्रेंडिंग रहेगा तो हमको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। उस समय हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करेंगे। तो इसमें इस स्ट्रेटजी में वो भी फीचर दिया हुआ है। तो आपको ना एक दिन पहले आपको एक एक थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगले दिन जो है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर रिवर्सल हो सक रेंज बाउंड हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट होता है तो आप सेटिंग करके छोड़ दीजिए कि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा तो आपको एंट्री आएगा और टारगेट भी हिट करेगा, ठीक है। आपके प्लानिंग के अनुसार ये काम करेगा। अगर आपके अनुसार प्लानिंग के अनुसार अगर रेंज बाउंड हो गया, ठीक है, तो अगर एंट्री भी आएगा तो हो सकता है टारगेट भी हिट करे, नहीं तो स्टॉप लॉस भी हिट करेगा। अगर आप मैनुअल भी करेंगे तो मैनुअल में भी यही होता है कि वो बाद में पता चलता है कि रेंज बाउंड हो गया है, ठीक है। आपके प्राइस जो है आपके लेवल पे आता है तो आप बाई करते हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं बाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी स्टॉप लॉस जाने वाला है, इसमें भी स्टॉप लॉस जाना है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये
अब इसको पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते, मतलब इसको फ्री इसके एल्गो के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आज कुछ 80% ये काम करेगा, 20% आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी में कुछ इशू तो नहीं आया है, क्योंकि बीच बीच में टेक्नोलॉजी है कम से कम 2-4% कभी कभी इशू आ जाता है तो रुक जाता है, तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरा कभी रुक तो नहीं गया है, यानी कि बीच बीच में कभी कभी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो आप एल्गो ट्रेडिंग्स यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए जो है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो हम इस तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे और आपको एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। अगर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है।